हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश टॉक्स विद सुमित कुमारी दैया। और आज हम कर रहे हैं एवरीडे इंग्लिश में सीरीज एक्सप्रेशंस, जिसको कि हिंदी में कहते हैं अभिव्यक्ति। माइंड ब्लोइंग, इसका मतलब होता है एक्साइटिंग और शॉकिंग। एब्सेंट माइंडेड मतलब फॉरगेटफुल। नैरो माइंडेड, स्टबर्न और इनटॉलरेंट, जो बहुत संकीर्ण दिमाग के होते हैं, छोटी सोच के होते हैं। दिस फूड इज हॉट, तो वो होता है स्पाइसी, मतलब बहुत मिर्च मसाले का है। दिस फूड इज हॉट, उसको हम टेम्परेचर के हिसाब से भी कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्म है खाना। जनवरी ब्लूज, टू फील सैड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी, उसके लिए हम यूज़ करेंगे जनवरी ब्लूज। Once in a blue moon, इसका मतलब है something that happens rarely, जो चीज़ कभी कभी होती है तो हम कहेंगे once in a blue moon। Caught red-handed, when somebody catches you doing something bad, जब आप कुछ गलत काम कर रहे हो या कोई भी गलत काम कर रहा है वो पकड़ा जाए तो कहेंगे caught red-handed। On red alert, to be careful when something bad is expected to happen, जब लगे कि कुछ गलत होने वाला है उस समय बहुत सावधान रहें तो उसको कहेंगे ऑन रेड अलर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग मोर वीडियोज़ टू गेट मोर अपडेट्स।